निघासन में हिंदू रक्षा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा दल प्रमुख दिलीप जायसवाल की अगुवाई में बाइक रैली निकाली गई। निघासन से चली रैली बमहनपुर मजगई व नौगवा होते हुए पलिया पहुंची, जहां पलिया के युवा व्यापारी नेता रवि गुप्ता व चेयरमैन केबी गुप्ता ने रैली में शामिल कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। रैली में पहुंचे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पलिया शहर स्थित राम मंदिर में जाकर माथा टेका, जिसके बाद रैली का समापन किया गया। हिंदू रक्षा दल के प्रमुख दिलीप जायसवाल ने बताया कि रैली का उद्देश्य गौ माता की रक्षा करना व लोगों को जागरूक करना है। आज की रैली हिंदू जन जागरण और रक्षा संकल्प के लिए निकाली जा रही है। ये रैली निघासन से दुर्गापुरवा वहाँ ब्रह्मनपुर मजगे होते हुए पलिया जाएगी, जिसका समापन पलिया में राम जानकी मंदिर पर होगा। और हम अपने सारे हिंदू रक्षकों से निवेदन करते हैं और सबको आज संकल्प दिलाते हैं कि आज से गौ रक्षा का संकल्प लें। गौ गंगा और गीता की रक्षा करना ही हमारा धर्म है और इस धर्म की रक्षा करना ही हमारा संविधान है। हमारे संविधान के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।